ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार किनकल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपके ही एक पेशेंट हैं जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, ये दिखाते हैं कौन है जी। मेरा नाम नथनी महतो है, मैं नेपाल के जनकपुर निवासी हूँ। मेरा शिकायत था कि लीवर बढ़ गया था और गैस बढ़ गया था, तो मैंने दरभंगा के दवा, अंग्रेजी दवा 1.5 साल खाए, लेकिन मुझे खास परिवर्तन नहीं हुआ, गैस बढ़ता ही चला गया। तो मेरा एक साथी है रामेश्वर यादव ने, वो यहाँ वैद्य जी के पास आने के बाद हमको समाचार दिए, तो हमने उनसे कहा कि मेरा शिकायत लेते जाइए और वहाँ से दवा लेते आएंगे। वो मेरे लिए 2 माह का दवा ले गए और वो दवा खाने के बाद मेरा बहुत 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 फायदा हुआ, जितना सोचे नहीं थे उतना फायदा हुआ। तो मैंने फिर दवा ख़त्म होने के बाद हम आए और मेरी बीवी के साथ मैं आए और बीवी के भी शिकायत था, तो उनके लिए भी दवा लिए, मेरे लिए भी दवा लिए, तो बहुत फायदा हुआ। मथुरी महतो जी जो नेपाल से हैं, एक बार फिर से नेपाल के ही आपके एक पेशेंट, उनसे हमारी टीम ने बात की। उनका लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जैसा कि उन्होंने बताया कि कॉन्टिन्यूसली उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कितनी मेडिसिंस उन्होंने की, एलोपैथिक उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, बट कोई उन्हें सोल्यूशन नहीं मिला। उन्हें फाइनल सोल्यूशन मिला आयुर्वेदा के थ्रू। तो आपने ऐसा क्या ट्रीटमेंट उनको दिया, आयुर्वेदा ने ऐसा क्या उपचार दिया कि आज वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। ऋचा जी, बड़े दुख की बात है, आज मोर देन 50% लोग फैटी लीवर या लीवर भरने से ग्रसित हैं। लीवर हमारा 14 से 15 तक होना चाहिए, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ 16, 17, 18, 19 तक लीवर दिख रहा है, जो कि बहुत गलत है। और लीवर बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, बहुत ज़्यादा मांस मदिरा, बहुत तले पदार्थ, बहुत खट्टे पदार्थ और कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का लेना भी इसमें है। तो हमको इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। शुरू में जब पेट खराब होने लगता है तो हमारी आंतें काम करना कम कर देती हैं, उसके बाद ज़्यादा असर, ज़्यादा लोड हमारे लीवर के ऊपर पड़ता है, फिर धीरे धीरे लीवर भी हमारा उसके फंक्शन डिसएक्टिवेट होने लगते हैं। वात आदिक त्रयदोष से रुद्ध स्रोत जल स्वेद, यानी कि हमारा पसीना निकलना कम हो जाता है, हमारे जो पसीने के स्रोत हैं बंद होने लगते हैं। वात आदिक त्रयदोष से रुद्ध स्रोत जल स्वेद प्रकुपित प्राण अपान हो अष्ट उदर रुक भेद अग्नि मांद तंद्रा जलन वात और मलरुद्ध सूजन दुर्बलता बढ़े उदर रोगी है बुद्ध। इस प्रकार की दिक्कत, जैसे कि हमारा मल पास आउट ना होना, पसीना पूरा ना निकलना, हमारी अग्नि मंद पड़ना और शरीर में जलन होना, भूख इत्यादि की कमी आना, इस बीमारी में अक्सर हो जाती है। मैंने इनको पंचामृत लोहमंडूर, मेदनाशक गोदनवटी और अष्टकवटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराई, साथ में 100 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण, 10 ग्राम पुनर्नवा मंडूर और 10 ही ग्राम इसमें संगमरमर मिला करके दिन में 2 बार सुबह शाम पानी के साथ मैंने इनको सेवन कराया। और हम एक चाय बनाते हैं डाइजेस्टिव टी और दूसरा पुनर्नवादी क्वाथ, दोनों की 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल कर मैंने इनसे कहा कि दिन में आप 1 से 2 बार सेवन करो। इनकी आंतों के, लीवर के फंक्शन एक्टिवेट हुए, जो लीवर बढ़ा हुआ था धीरे धीरे अपने साइज में आया, कोष्ठबद्धता इनको रहती थी उसके लिए प्रवाहिका चूर्ण सेवन कराया। भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। और प्रवाहिका चूर्ण तो इतना अच्छा है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि जिनको आँव आती हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो या एमेबिक डिसेंट्री हो, उनके लिए अमृत तुल्य है। सौंठ, सौंफ, सनाए, इसबगोल की भूसी, मिश्री और छोटी अरड़, इससे ये बनता है। चूर्ण प्रवाही का हर का मात्रा माशा 3, प्रोष्ण तपोजा यानी कि गर्म जल
अतिशय उचित उदर रोग प्रक्षीण, जो भी इसको सेवन करे एक चम्मच, इसको आंवंती हो, कॉन्स्टिपेशन हो या एमिविक डिसेंट्री हो, उसमें लाभ देता है।